आशुतोष, इस वक्त मैं पटना में हूँ और पटना में जिस जगह पे हूँ ये हड़तालों के लिए जाना जाता है। जो भी लोग जिनकी जो मांग होती है सरकार के खिलाफ, जो उनकी आवाज़ होती है उसको संगठित तौर पर यहीं से उठाते हैं। इसको हड़ताली मोड़ भी कहते हैं, गर्दनी बाग का इलाका है और यहाँ पर छात्र है। छात्र वो जो बहुत तैयारी करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कई वर्ष कलम घसते हैं, तो एक परीक्षा की कोशिश होती है, परीक्षा पास करें और कुछ नौकरी उन्हें मिल जाए। नौकरी इसलिए मिल जाए ताकि परिवार चला पाए, क्योंकि हर किसी के यही चैलेंज है कि जब आप बड़े होते हैं तो आप पर जिम्मेदारियां आती हैं, आपसे पूरी जो पुरानी पीढ़ी है वो ये चाहती है कि अब आप सारी जिम्मेदारी ले लें जो आर्थिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो साल 2019 का मामला है, 2019 में सरकार, जो बिहार सरकार लगातार कहती है नौकरी जो चुनावी मुद्दा बनता है, 2020 में जो विपक्ष जो है महागठबंधन, वो कहती है 10 लाख नौकरियां देंगे और जो सत्ता पक्ष है जो जीत कर आया है उसने कहा हम 19 लाख नौकरी देंगे। तो आंकड़ों में तो बहुत सारे चीज़ें उछलाई जाती है, परंतु जब परीक्षा होता है, परीक्षा के लिए भी, परीक्षा कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट घोषित हो इसके लिए आंदोलन होता है, फिर रिजल्ट आ गया तो उसके बाद बहाली के लिए भी आंदोलन हो रहा है। तो अब SET के छात्र हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था आप जान रहे हैं, लगातार एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ टीचर्स को ठीक से स्पेलिंग नहीं लिखना आता है। जो एक छात्र है आजकल सोशल मीडिया वायरल है, सोनू भी अलग अलग बातें करता है, हालांकि उतनी बात पे हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। आगे आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। अनिल जी, आप बढ़िया उम्र हो गया आपका? हाँ बिल्कुल। बहुत दबाव होगा आपके तौर पे परिवार चलाने का? बहुत दबाव। तो आप बताइए, आपने परीक्षा दी, कुछ आशा थी, क्या परीक्षा क्या था? परीक्षा ये आपके हाथ में विज्ञापन है, ये SET का विज्ञापन वर्ष 2019 में आया था और इसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। आनंद किशोर ने अखबार में विज्ञापित करवाया था इस विज्ञापन को, अखबार में, कि मुझे याद है कोरोना के वक्त का दौर आने वाला था और उसमें बड़ी बहाली के लिए बातचीत चल रही थी, जल्द से जल्द नौकरी की मांग। सितंबर 2019 की बात है, सरकार ने सरकारी खर्चे पे अखबार में विज्ञापित किया था। हम तो इसको अखबार में देखकर क्या है, और कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस वर्ष की परीक्षा विगत परीक्षाओं से भिन्न होगा और जितने रिक्ति होंगे उतना ही रिजल्ट। कितनी कितनी रिक्तियां थी? 37,400 रिक्ति थी लगभग। हाँ। 37,400, तो 37,400 रिजल्ट आएगा, उतने लोग नियोजन इकाई में जाएंगे और उतना ही लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये आपने परीक्षा दी? परीक्षा दिया। किस साल में दिया परीक्षा? 2020 में एक बार दिया, 2020 के जनवरी में। वो परीक्षा बात है, बिहार में BPSC का पेपर लीक होता है, उससे पहले देखिए स्टूडेंट का जो टीचर का एग्जामिनेशन है वो भी लीक हो जाता है, वो भी रद्द करना पड़ता है। 28 जनवरी को लीक हुआ। सोचिए बच्चे पैसे, कितना फॉर्म पैसा भरा था आपने? 500 रुपया प्रति बच्चे देते हैं, तैयारी करते हैं कि परीक्षा ठीक से हो, लेकिन बिहार सरकार की नाकामी है लगातार बच्चे, क्योंकि इस बार भी दिल्ली से, बॉम्बे से, कहां कहां से लड़के जो सालों BPSC के मेहनत कर वो भी आए थे और परीक्षा लीक हो जाती है, ये भी एक अलग मुद्दा है। और जब फॉर्म भर रहा था तो कहा था सरकार ने कि क्या मेरे विज्ञापन के शर्तों से आप सहमत हैं? हमने कहा था हाँ, और तब फॉर्म भरा था, यानी मेरे और सरकार के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, ये विज्ञापन अग्रीमेंट है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ सितंबर में फिर से री एग्जाम होता है ऑनलाइन कोरोना काल में, जिंदगी दाव पे लगा के हमने परीक्षा दिया, रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जब हम मेरिट में आ जाते हैं, नियुक्ति पत्र देने की बारी आती है, तब सरकार मेरिट को नल एंड वॉइड देके निरकर देती है, कहती है कि मेरिट नॉट मेरिट बराबर होता है, मेरिट और नॉट मेरिट बराबर होता है। नीमा कोल वाला जो टीचर दीपक कुमार था वो नॉट मेरिट का टीचर था, पूरे बिहार का चिरहरण करवाया कि नहीं करवाया? ठीक है, पत्रकार आप उतना आरोप लगाने की जरूरत नहीं। अब आलोक जी, आप आलोक हैं, लगातार ये भी प्रोटेस्ट जुड़े हैं, क्योंकि ये मुद्दा नया नहीं है, लगातार 6 महीनों चल रहा है, तो आलोक जी लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। तो अब जो है सरकार जो कह रही है ग्रेजुएशन और BEd की परीक्षा का जो मार्क्स है उसको इवेल्युएट करेगी जोड़कर, उससे आपको समस्या क्या है? फिर इतना क्वालिटी लेवल का एग्जाम लेने का क्या फायदा रह गया? हमको पहले ही बोल दिया जाता है कि इस परीक्षा में तुम सिर्फ मिनिमम क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद तुम किसी दुकान से जा करके, पटना में गुमटी खुला हुआ है वो तो अलग, आप उससे आपको परेशानी क्या? परेशानी वो आप IAS का एग्जाम होता है, उसमें आप ये इसका उदाहरण पात्रता पास एग्जामिनेशन की सरकार ने मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दिया कि आपको इतना परसेंटेज आ गया तो आप इसको नौकरी के लिए क्वालिफाइड, आपको पात्रता इसमें है।
ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा गया था कि उतने ही लोगों को हम पात्र करेंगे, ना कि उसमें सीट पहले से ही सीट तय कर दिया गया था। सरकार ने 80,000 रिजल्ट जारी कर दिए, 80,000 क्या लड़के 80,000 क्वालिफाइड नहीं है आपकी नजर? 80,000 क्वालिफाइड है, मिनिमम क्वालिफाई पार किए हैं। ठीक ठीक, हम मेरा का नाम ये है कि आप 80,000 को लीजिए, लेकिन एसटीईटी के मार्क्स पर लीजिए, न कि एकेडमिक के मार्क्स पर लीजिए। क्या लगता है एकेडमिक मार्क्स में आएंगे तो धांधली होगी क्या? उसमें अपने अपने पसंद के लोगों को लिया जाएगा, ऐसा लगता है भ्रष्टाचार? योग्यता का पैमाना एकेडमिक मार्क्स हो सकता है, जो आईएएस बनता है, मतलब कि जो थर्ड डिवीजन से मैट्रिक पास करेगा वो भविष्य में आईएएस नहीं बन सकता है। सरकार ये लॉजिक दे रही है। हम तो ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जो इंटर में फेल किया है और आगे जाकर के आईपीएस बना है। ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है सरकार की। हम प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के तर्ज पर देते हैं और मेरिट में आते हैं, तो आप उस प्रक्रिया पर क्यों नहीं बहाली लेते हैं? आप उत्तर प्रदेश में देखिए शिक्षकों की बहाली किस प्रकार से होती है, दिल्ली में देखिए किस प्रकार। ये आपका तीसरी बार आप सड़कते हैं, तीसरी बार सड़कते हैं। पिछली दो बार मुझे याद है कि विजय चौधरी ने कुछ बयान दिया था पिछली बार आप आए थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? पिछली बार तो विजय चौधरी स्पष्ट तौर पर बोल दिए थे कि कोई मेरिट नहीं है, मेरिट और कहीं नहीं। ठीक है, उसके बाद आप सोचिए कि लोगों का गुस्सा किस तरह से आक्रोशित होगा कि योग्यता को ही बोलते हैं कि अर्थहीन। हमने कह दिया था कि शिक्षा मंत्री का भी कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा मंत्री का पद ही अर्थहीन। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का वैल्यू को बनाया जाए और जो मार्क्स के आधार पर आगे की जो बहाली हो वो एसटीईटी के मार्क्स के आधार पर, न कि एकेडमिक के आधार पर। एकेडमिक आधार पर मेरिट बनाना योग्यता का अपमान है। फर्जी डिग्री लेकर के लोग आ जाएंगे पूर्व में भी आप देख सकते हैं। डिग्री तो आप लोगों ने पहले ही जमा कर दी होगी, इसमें ली गई होगी ना? डिग्री तो ली गई होगी, डिग्री तो सारे बच्चों से बीएड की मंगा ली गई फॉर्म के टाइम में। डिटेल हमने खरीदी तो होगी तो बाहर में निकल जाएंगे। तो मुख्यतः मामला है कि जब सरकार परीक्षा लेती है तो परीक्षा का कोई महत्व होना चाहिए, और परीक्षा पे कोई बच्चे ने तैयारी की और ज्यादा मार्क्स लाया है तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो फिर अच्छा मेहनत करना, ज्यादा एडुकेशन में क्वालिफाई करना, बेटर मार्क्स लाना, इसका क्या महत्व रह जाएगा? और अगर कोई छात्र कम मेहनत करके उस नौकरी में जाएगा तो उसे लगेगा ये नौकरी आसानी से मिली है, और कहीं ना कहीं ये जो ग्राउंड पे जब बच्चे पढ़ेंगे उस पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यही एक खबर थी जो दिखानी थी, जो सैकड़ों छात्र यहाँ मौजूद थे पटना के गर्दनी ब्लॉक इलाके से। धन्यवाद। बस ठीक है।